जो भी हो हम लोग लौट के जा रहे हैं। तो ये पहला जो बोला गया यहाँ पर, द लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची, बच्ची के बारे में एक स्टोरी है। तो बोला है टू, जूम कर लेते हैं बेटा, इसे बड़ा हो जाएगा। ओके, अब सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, ये किसने लिखा मालूम नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। रिमेनिंग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। नंबर है 7641931721। तो जो भी हो वो थोड़ा सा देख लेना, बाद में ये रिकॉर्डेड रहेगा। तो अभी क्या है, देखिए क्या, शी रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर। उस वो क्या करती थी, अपने पिताजी को गुड बाय बोलती थी, ठीक है। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब उसके बाद क्या था, पिताजी को गुड बाय बोलने के बाद बच्चे के अंदर क्या आता था, रिलीफ। रिलीफ समझते हो, रिलीफ का मतलब होता है कि मुक्ति, ठीक है, बच्चे को मुक्ति मिलता था। किससे, व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, कैरेज मतलब है गाड़ी, कौन सा गाड़ी, घोड़े का गाड़ी, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड मतलब रास्ते से जाते हुए पिताजी का गाड़ी जब जा रहा था तो इसका आवाज धीरे धीरे कम होते जा रहा था, कम होते जा रहा था, ठीक है, स्टेडली कम हो रहा था, क्योंकि जब जितने दूर आवाज का सोर्स जाएगा उतना हम उसको कम सुनेंगे। तो बोला फेंटर एंड फेंटर, यहाँ पर फेंटर मतलब है, हेलो, आपने बोला एम ऑडिबल टू यू, मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा वो बाद में फोन करके नहीं करना है, अभी स्ट्रीमिंग गड़बड़ हो रहा है, काटो। सर, एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोगों के स्ट्रीमिंग के बीच में कोई भी मुझे फोन नहीं करना, मैंने पहले ही बोल दिया। इस सीन से मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करवा रहा हूं, मतलब क्या है कि आपको इस स्ट्रीमिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फोन नहीं करना है। अगर आपको कुछ लिखना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हो, मैं वहां से आंसर दे दूंगा। अनदर पर्सन इज मेंशनिंग, नो इट्स नॉट वर्किंग सर। अच्छा देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, मैं दूसरा, मेरे पास जो की है उसको मैं स्ट्रीमिंग का की, ओहो नेटवर्क इतना खराब, इसके बीच में आप लोगों ने कॉल कर दिया, इसके बीच में कॉल नहीं करना है आप लोगों को, इसके बीच में कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ओके तो अच्छा देखिए, तो बोला फेंटर एंड फेंटर डाउन डाउन द रोड लॉन्ग रोड। बोला क्या है, ये जो बच्ची का पिताजी का घोड़े का गाड़ी था, ये सुबह को जब पिताजी गुड बाय बोल के बच्ची को जाते थे तो उसका आवाज धीरे धीरे कम हो रहा था। इन द इवनिंग शाम को, व्हेन ही केम होम जब वो घर पे लौट के आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, स्टेयर केस समझते हो, सीढ़ी, क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीढ़ी। ओके, सीढ़ी के पास वो खड़ी हो जाती थी एंड हियर्ड हिज लाउड वॉयस, और सुनती थी उसका जोर का आवाज इन द हॉल। पिताजी कहाँ पर आते थे, शाम को लौट के हॉल पे बैठते थे, हॉल मतलब ड्राइंग हॉल, ड्रॉइंग रूम। ओके, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, पिताजी बोलते थे मेरा चाय लेके आओ ड्रॉइंग रूम पे। हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक क्या न्यूज़पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, उस वो अपने पत्नी को बोलता था कि जाइए और देखिए न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे जूतों को, स्लीपर मतलब चप्पल जिसको हम बोलते हैं ना, वो चप्पल मुझे लाके दो। मतलब पिताजी क्या करते थे, एक एक करके ऑर्डर देते रहते थे कि ये करना है, वो करना है, फलाना ढिंकाना जो भी है, मतलब चाय लाओ, न्यूज़पेपर लाओ, फिर मेरे जूते लाओ। तो यहाँ तक समझ में आया, अगर आया है तो ओके बोलो, व्हाट्सएप ग्रुप में फोन करके नहीं, सुनाई दे रहा है मेरा बात, व्हाट्सएप ग्रुप में ओके बोलना है, क्या बोलना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ओके बोलना है। अभी तक क्लियर हुआ,
मेरे बात क्लियर हुआ सबको? ये सुन लो, अच्छा जो भी हो, कैस दिया, मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी क्या करती है उस उनको बुलाती है, किसको? बच्ची को बुलाती है कि केजिया इधर आओ। बच्ची का नाम क्या है? केजिया से देखना इसको, बच्ची का नाम केजिया है। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो पिताजी के नीचे आके जूते खोल के रखो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम। बच्ची क्या करती थी? धीरे 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 नीचे की तरफ आती थी सीढ़ी से, और आने के बाद ड्रॉइंग रूम का दरवाजा धीरे से सिरका के, मतलब उसको स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाके खोल के वो रखती थी, मतलब धीरे धीरे वो दरवाजे को खोलती थी। बाई दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, वो क्या करता था? अपना स्पेक्टेकल, ही मतलब यहां पर किसको समझाया गया है? ही मतलब क्या, कौन है? फादर, कौन है? फादर, ठीक है। फादर क्या करते थे? अपने स्पेक्टेकल्स, चश्मे को, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उनके ऊपर से उसको देखते रहते थे, चश्मे के ऊपर से बच्ची को देखते रहते थे। इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, इस प्रकार से वो देखते थे जिससे इस बच्ची को क्या लगता था? डर लगता था। क्लियर? वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। ठीक है बच्ची, केजिया क्या करो, जल्दी करो और इन जूतों को खोल के बाहर रखो, आउटसाइड बाहर रखो, ठीक है। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, तुम क्या आज अच्छी बच्ची बनोगी? जैसे कोई भी बड़ा इंसान छोटी बच्ची को, छोटी बच्ची को क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो पढ़ाई करो, तुम अच्छी बच्ची हो तो खाना खाओ, वैसे ही पिताजी बोल रहे थे कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो, तुम क्या आज अच्छी बच्ची बनोगे, तो फिर वो क्या करो, जूते खोल के बाहर रख के आओ। I don't know, फादर, बच्ची हकलती हुई बोली कि मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। You don't know, if you shutter मतलब यहाँ पर हकलाना, shutter मतलब क्या है? हकलाना, like that, अगर तुम इस प्रकार से हकलाए तो mother will have to take you to the doctor, मम्मी को तुम्हें कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। किस लिए बोला पिताजी ने? क्योंकि बच्ची डॉक्टर से ज़्यादा डरती थी। She never shuttered with other people, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी हकलाती नहीं है। Had quite given it up, और बहुत दिन हो गया कि अरे कौन है भाई, फोन क्यों करते हो? फोन करने से नेटवर्क का डिस्टर्ब आता है, बार बार बोल रहा हूं मैं। ओ के कौन है? हेलो 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 हेलो, हेलो के बालू, ओए गोकुलपुर गाजी अटिला, এটা গোকুলপুর গাজী এটিলা চিনেন নি আপনি? ওই দিলীপ প্রধানের বাড়ি কেন, দিলীপ প্রধানের বাড়ির পরে দিয়া একটা মুরগার ফার্ম আছে বুঝছেন নি, প্রহ্লাদার ইয়েন একটু ফালাই দিয়েন, বাড়িটা পার হইয়া একটু ভিতর দিকে ঢুকতে হইব, ওই মুসরাটা দিয়ে ঢুকতে হইব আর কি, ট্রাক ঢুকবো, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ না না, দিলীপ প্রধান বুঝিনি,
से मुर्गर फार्म। हाँ हाँ ये ना फलायन। ओ या कृष्ण प्रसाद गोस्वामी, कृष्ण प्रसाद गोस्वामी ऑनलाइन क्लासের মধ্যে এসে ডিস্টার্ব। এলাকে আমার অনলাইন ক্লাসে করতে ইচ্ছা করে না। সাতা শোনাই দে রে, মেরা বাত আবি শোনাই দে রে। কই রেসপন্স নেই করতা হ্যায়, এসে কেসে ক্লাস করো? কোন সা ক্লাস হে? अगर सुनाई दे रहा है तो ओके बोलो, नहीं तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ। ओके बोलो, अगर सुनाई दे रहा है तो बोलो व्हाट्सएप ग्रुप में, फोन करके नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो। ओके थैंक यू, थैंक यू फॉर रिप्लाई। ओके तो हम लोग कहाँ थे? दैट इज द मैटर, सॉरी शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसका ये हकलाने का जो स्वभाव है ये चला गया था, पहले ही वो छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि पिताजी के सामने आने से ही उसको डर लगता था और शब्दों को बोलने में उसको प्रॉब्लम होता था। दैट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, घटना क्या है, क्या बात है? What are you looking so rest about? Rest का मतलब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बोला है कि unhappy। पिताजी पूछ रहे हैं कि किसने तुम unhappy दिख रही हो, क्या बात हुआ है? अच्छा तो उसके बाद mother I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। तो पिताजी मम्मी को डांट रही है कि सुनो जी, यहाँ पर मदर बोला है मतलब बच्ची का मम्मी, ठीक है ना? हम बोलते हैं, मतलब पिताजी बोलते हैं ना कि बच्ची का नाम अगर श्यामा है तो श्यामा का मम्मी, उसी प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए आप अगर बच्ची को सुइसाइड करना नहीं सिखाना चाहती है तो उसको कहा बात करना सिखाइए, हकलाना मत सिखाइए। यहाँ पर मम्मी का गलती हो गया ना, बच्ची का हकलाना। तो बोल रहे हैं पिताजी के बच्ची क्या करेंगे, बच्ची क्या करेगी, सुसाइड करेगी अगर ऐसा चलता रहा तो। हियर केजिया कैरी माई चीक अप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, पिताजी ने बोला कि बेटी केजिया मेरे चाय के जो कप है उसको टेबल पे ले जाकर रख दो। He was so big, वो कितना बड़ा था। His hands and his neck, उसका हाथ और उसके गर्दन जो है वो, specially his mouth when he yawned, yawn मतलब क्या है, हामी, बांग्ला में हामी बोलते हैं, मतलब क्या है कि नींद आने से जो हमारा मुंह खोलता है, हवा निकलता है, वही चीज। तो बोला पिताजी ने बड़ा करके मुंह खोल के yawn किया। बच्ची बोल रहे कितना बड़ा मुंह है, कितना बड़ा हाथ है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट,
उसके बारे में सोचना मतलब एक दैत्य के बारे में, जायंट मतलब दैत्य, दैत्य के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम, मतलब इतवार को, रविवार को शाम को नानी जी या दादी जी भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम, दादी जी थे, दादी जी क्या किए, बच्ची को ड्राइंग रूम पे भेजा, किस लिए, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, पिताजी और मम्मी से बात करने के लिए बच्ची को ड्राइंग रूम पे भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। बोला के बच्ची को मिला पिताजी, बच्ची जब नीचे आती थी तो हर एक दिन क्या देखती थी कि मम्मी कुछ पढ़ रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, पैर फैला के सो रहे हैं। ओके अच्छा, तुम लोग इमोजी भी भेजते हो ग्रुप में, फाइन, क्या सर प्लीज एट दिस नंबर टू द स्कूल ग्रुप। अच्छा स्कूल ग्रुप में भेजना है तो यहां पर ऑनलाइन क्लास में अभी क्या लिखना है, आई एम समराज बुद्ध, समराज बुद्ध बेटा तुम्हारा नंबर क्लास टीचर ऐड कर देंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन क्लास में थोड़ी लिखते हैं, छोड़ो इसको, अभी देखो। तो बोला कि ये बच्ची जो है वो आके देखती थी मम्मी क्या कर रही है, सोफा पे सो रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, अपने मुंह के ऊपर अपने हैंकरचीफ, हैंकरचीफ समझते हो, रुमाल, रुमाल को डाल के सोते रहते थे। His feet on one of the best cushions, उसके पैर कहाँ पर रहते थे, यहाँ पर देखो एक पिक्चर में ये कुशन दिया हुआ है, कुशन समझते हो, तकिया, पिताजी के सिर पर ये रहा हैंकरचीफ, रुमाल, और ये रहा कुशन, इसके बारे में बोला गया है यहाँ पर। Sleeping soundly and snoring. स्नोरिंग मतलब है नाक डकना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं इसको, रात को सोते हुए जो गर्र गर्र वाला आवाज होता है, वो पिताजी स्नोरिंग कर रहे थे सो के। शी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. वो एक स्टूल पे बैठ गई, gravely watched him, दुख के साथ उसको देख रही थी, until he woke, जब तक ना वो जाग गया, कौन, पिताजी, and stretched, और पिताजी क्या किए, नींद से जाग के थोड़ा सा सिर को खींचा, हम लोग नींद से जाग के थोड़ा सा सिर को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं, बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, एंड आस्क द टाइम, पिताजी ने उसको क्या किया, समय पूछा, देन लुक जेट हर, उसके बाद उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। पिताजी नींद से जाग के ही केजिया को क्या गिफ्ट दिए, बोला के केजिया ऐसे मत देखो, क्यों ऐसे मत देखो, तुम्हें देखने में एक आउल समझते हो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भूल गया मैं, पैचा बोलते हैं बांग्ला में, ठीक है, तो वो आवल जैसा, कैसा, ब्राउन आवल जैसा लगता है तुम्हें देखने में। ओके वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, जब उसको घर के अंदर रखा गया था, विथ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। बोला तब दादी जी ने बोला कि पिताजी का जन्मदिन कब है, नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उन्होंने सजेशन दिया कि बेटे काम करो, एक कुशन बना दो, एक तकिया बना दो, किससे, सिल्क से, येलो कलर का सिल्क से, लेबरसली मतलब परिश्रम करके, लेबरसली मतलब परिश्रम करके, बहुत ही कष्ट करके, विथ ए डबल कॉटन, डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स,
छोटी बच्ची ने तीनों साइड कुशन का मतलब तकिया का सी दिया उसने, बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए, क्योंकि तकिया के अंदर अगर कुछ ना भरा जाए तो वो थोड़ी तकिया कहलाएगा, वो तो चद्दर हो जाएगा। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था कि इस तकिया के अंदर डाला क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वांड इन टू wandered into mother's bedroom to look for scraps. ना दादी जी कहाँ गई थी, गार्डन पे गई थी, और बच्ची मम्मी के घर पे आई, आके ढूंढने लगी क्या इसके अंदर डाला जाए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. Gathered them up, tore them into, tore मतलब फाड़ना, tore them into tiny pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसने क्या किया, मम्मी के घर पे जाने के बाद देखा कि बिस्तर के ऊपर जो छोटा सा टेबल होता है, टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा पेपर, सुंदर पेपर रखा हुआ है। बच्ची ने सारे पेपर उठा लिए और उसको फाड़ डाला, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ डाला। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके बाद इन सभी को कहाँ पर डाल दिया, अपने तकिए के कवर के अंदर। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद चौथा साइड जो है, देखो तकिए का ये तीन साइड हो गया, तीनों साइड पहले सिया हुआ था, इसके अंदर उसने पेपर डाल दिया, पेपर के टुकड़े डाल दिए, देने के बाद इस वाला साइड को सी दिया, तो हो गया क्या, पिलो। क्या हो गया, पिलो, PILOW, पिलो का एक दूसरा इंग्लिश क्या है, कुशन। क्या है, कुशन, ठीक है, दोबारा गड़बड़ नहीं करना है, समझना है। That night there was a hue and cry in the house. उस रात को घर पे बहुत चिल्ली मतलब चिल्लाहट, चिल्लाने का आवाज आया बच्चे को, और रोने का आवाज आया घर पे। कौन रो रहा था, कौन चिल्ला रहा था, Father's great speech for the port authority had been lost. मतलब पिताजी का जो भाषण, पिताजी ने जो लिखा था वो भाषण क्या हो गया था, पोर्ट अथॉरिटी में पिताजी देने वाले थे, वो भाषण तुम्हारा हो गया था। रूम्स आर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजीएस रूम। सारे रूम को ढूंढा गया, सारे कर्मचारी लोगों को पूछा गया, और बाद में माताजी कहाँ है, केजीआई मम्मी, ठीक है। आज यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जो हमारा होगा हम बाकी स्टोरी पढ़ लेंगे। तुम्हारा मेटेरियल क्या बोलते हैं, हमारा जो गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में तुम्हारा मटेरियल मिल जाएगा, और वहाँ पर जाने के